जब आप इकोनॉमिक शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप तुरंत ऐसा सोचते हैं कि ये बोरिंग होता होगा। आपको इसके बारे में सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि आपको इसे सीखने के लिए मजबूर किया गया था। पर इकोनॉमिक्स की फील्ड बहुत बड़ी है और जरूरी नहीं कि ये कंफ्यूजिंग या बोरिंग नहीं हो, इकोनॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लोग क्या खरीदते हैं ये इकोनॉमिक्स के लिए एक जानकारी होती है। लेन देन यानी ट्रांजेक्शन, खरीदने वाले यानी बाय और बेचने वाले यानी सेल के बीच का सिग्नल होते हैं। लोग कितने पैसे काम सकते हैं ये उस पर भी असर डालते हैं। ये तय करते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स और बनाए जाएंगे। इकोनॉमिस्ट समझाते हैं कि क्यों कुछ देश अमीर हैं और बाकी गरीब। इन एक्टिविटीज को चलाने वाले सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। इसमें लोग, बिजनेस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि रोजमर्रा के लेन देन में आप कैसे एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कॉफी या सब्जियां खरीदते वक्त आप सीखेंगे कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को कोई सामान खरीदने या ना खरीदने का फैसला करने में मदद करती है। लोगों के खरीदने और ना खरीदने का फैसला किसी भी बिजनेस पर बहुत असर डालते हैं। बिजनेस अपने बड़े बड़े फैसला कस्टमर के बिहेवियर को देखकर ही लेते हैं। ये आपको समझने में मदद करेगा कि लोगों को क्या, कैसे और क्यों मिलता है। आपकी कॉफी का बिल कौन देता है? मान लीजिए कि आपके पास खुद की एक जमीन है। एक किसान को जमीन की जरूरत होती है, वो पैसे कमाने के लिए इसमें अनाज उगाता है। तो एक किसान आपसे कहता है कि वो आपकी जमीन खरीदना चाहता है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी जमीन दूसरों की जमीन से अलग है, वो बहुत ही फर्टाइल यानी उपजाऊ है। जो भी उसमें खेती करेगा उसे बहुत अनाज मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी जमीन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। ये फायदा आपको अपनी जमीन को अपने मन मुताबिक दाम में बेचने की पावर देता है। इसका मतलब है कि अब आप खरीदने वाले से थोड़ी ऊंची कीमत की डिमांड कर सकते हैं। इसे बार्गेन करने की पावर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खरीदने वाले ये देख सकते हैं कि आपकी जमीन ज्यादा प्रोडक्टिव और वैल्यूएबल है, और अगर वो इसे इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा अनाज उगा पाएंगे और ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। पर आप बस यूं ही उन्हें नहीं बात सकते कि आपके पास अपनी जमीन को ज्यादा दाम में बेचने की पावर है। आप अचानक और तुरंत ही अपनी जमीन का एक ऊंचा प्राइस नहीं लगा सकते। आपकी जमीन को ज्यादा प्राइस में बेचने की पावर उस चीज की कमी यानी स्केसिटी पर डिपेंड करता है। जब कोई रिसोर्स कम होता है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा क्वांटिटी में या आसानी से नहीं मिलता है। किसी चीज की कमी ये तय करती है कि उसकी कीमत क्या होगी। पूर्ण विराम। बदले में कीमत खरीदने वाले और बेचने वाले के लेन देन पर असर डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके आस पड़ोस वालों के पास भी बहुत जबरदस्त जमीन हो सकती है। उनकी जमीन भी हरी भरी और प्रोडक्टिव है, उनकी जमीन में कोई कमी नहीं है। अब इस केस में आपकी जमीन किसी भी तरीके से अलग नहीं हुई, इसलिए आप अपनी जमीन की कीमत बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते। इसी तरह आपकी जमीन की कीमत तय करने की पावर या बार्गेनिंग स्ट्रेंथ बदल सकती है। इसे ही इकोनॉमिस्ट कंपटीशन कहते हैं। जब एक रिसोर्स कम होता है तो वो इकलौता या खास होता है, यानी एक्सक्लूसिव। जब कोई चीज एक्सक्लूसिव हो तो इसका मतलब है कि वो हर किसी के पास नहीं हो सकती। हालांकि ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो कई लोग चाहते हो या इसकी कई लोगों को जरूरत हो। ये चीज उसे और भी वैल्यूएबल बना देती है, इसी वजह से वो महंगी हो जाती है। हालांकि दूसरे फैक्टर भी प्राइस पर असर डालते हैं। हमेशा किसी चीज की कमी होना ही मेन कारण नहीं होता। बाहरी चीजें जैसे कि लो, गवर्नमेंट के रूल्स या फिर क्राइम प्राइस पर असर डाल सकते हैं। लंदन में एक जगह है जिसे कि ग्रीन बेल्ट कहते हैं। ये शहर का वो हिस्सा है जहां खेती करना इलीगल है। इस वजह से वहां खेती के लिए जमीन की कमी है। इसका मतलब है कि खेती के लिए जो जमीन होगी वो और भी ज्यादा महंगी होगी। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे लॉ प्राइस पर असर डालता है। तो गवर्नमेंट कैसे प्राइस पर असर डाल सकती है? इसके लिए तेल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये कई इंडस्ट्रीज के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक जैसे देशों में प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि वहां तेल की कीमत बहुत ही कम है क्योंकि तेल बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने इसमें कुछ बदलाव किए। 1973 में उन्होंने अपने मेंबर देशों को तेल प्रोड्यूस करने की क्वांटिटी की एक लिमिट तय करने को कहा। इसने तेल की क्वांटिटी को कम कर दिया, इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई और उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अंत में आता है क्राइम। बड़े बड़े गैंग अपना कंपटीशन कम करने के चक्कर में लड़ाई झगड़े और वायलेंस का सहारा लेते हैं। ड्रग्स कई गैंग के लिए एक बिजनेस का जरिया है। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो ड्रग्स की कमी बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कंपटीशन को कंट्रोल करना होता है। ट्रेड यूनियन भी कंपटीशन को कम करने का एक अच्छा तरीका है। यूनियन वर्कर्स को जॉब के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने से रोकते हैं। वो वर्कर्स को थोड़ी बार्गेनिंग पावर देते हैं।
ये कंपटीशन को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस की काफी डिमांड हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिशियन की सप्लाई कम होगी तो ये उन्हें बार्गेनिंग पावर देता है, वो इस कमी का फायदा उठा सकते हैं। ये उन्हें अच्छी सैलरी और अच्छा वर्किंग कंडीशन पाने में मदद करता है। स्टारबक्स अपनी एक कप कैपुचिनो का $2.25 चार्ज करते हैं। ये एक कप कॉफी के हिसाब से बहुत महंगा है। हजारों लोग स्टारबक्स से कॉफी खरीदते हैं, आखिर लोग कॉफी के लिए इतना खर्च करने के लिए तैयार क्यों हैं? स्टारबक्स का फायदा उसकी लोकेशन में है। उनके स्टोर वहाँ है जहाँ ट्रेन स्टेशन के एग्जिट और सड़क के किनारों पर है। ऐसी लोकेशन की वजह से उनका रेंट भी काफी ज्यादा होता है। सुबह ऑफिस आओ के समय लोगों को ऑफिस जाने की बड़ी जल्दी होती है, साथ ही उन्हें कॉफी पीने की बड़ी तलब होती है, इसलिए उस वक्त उनकी प्रायोरिटी गली में मिल रही सबसे सस्ती कॉफी ढूंढना नहीं होती। इस वजह से वो ज्यादा खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो कस्टमर जो कॉफी के लिए ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनकी वजह से रेंट भी बढ़ जाता है। तो इसमें ज्यादा फायदा स्टारबक्स को होता है या अपनी जमीन रेंट पर देने वाले को? ज्यादा फायदा जमीन को रेंट पर देने वाले को होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोकेशन उनका है, वो फैसला करते हैं कि अपनी जगह किसे और कितने रेंट पर देनी है। वो कई कॉफी शॉप्स के बीच किसी को भी चुन सकते हैं। लोकेशन एक्सक्लूसिव होने की वजह से उसे फायदा होता है। कोई भी कॉफी शॉप ऐसी जगह रेंट पर नहीं लेना चाहेगा जहां और भी कॉफी शॉप्स हों। याद रखिए, वो बार्गेनिंग पावर ढूंढ रहे हैं, यही लोकेशन की पावर है। तो वो एक एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट किसी एक कॉफी शॉप के साथ साइन कर सकते हैं। ये उन्हें बार्गेनिंग स्ट्रेंथ देता है। अब वो एक ऊंचे रेंट की डिमांड कर सकते हैं। सुपरमार्केट आपसे क्या छुपाना चाहते हैं? पैसा बचना मुश्किल है, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप जितना भी काम कर लें, आपको लगेगा कि ये काफी नहीं है। आपको लगेगा कि पैसा आपके हाथों से फिसल रहा है। ऐसा क्यों है? उसके कई कारण हैं। पहला कारण है आपके खर्च करने की आदत। एक बार ध्यान से हर बिजनेस की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को देखिए। जब आप अगली बार सब्जियां लेने जाए तब इसका ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्व करना ही आपको आगे तक ले जाएगा। कई बिजनेस स्ट्रेटजी के तौर पर अपना टारगेट प्राइस तय करते हैं और ऐसे ही वो उन कस्टमर को ढूंढते हैं जो उनके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पे करने को तैयार हों। पहली स्ट्रेटजी को द यूनिक टारगेट स्ट्रेटजी कहा जाता है। दूसरा है ग्रुप टारगेट स्ट्रेटेजी, अंत में आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्ट्रेटेजी। सुपरमार्केट प्रॉफिट बनाने के लिए ज्यादातर लास्ट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। यूनिक टारगेट स्ट्रेटेजी एक सिंगल कस्टमर पर फोकस करती है और वो कितना पे करना चाहते हैं उस पर बेस्ड होती है। एग्जांपल के तौर पर वो लोग जो अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं ज्यादातर इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग एक शादीशुदा कपल और एक सिंगल औरत से एक ही प्राइस की डिमांड नहीं करेंगे। कई बिजनेस ने ऐसा ही टेक्नोलॉजी के जरिए भी करना शुरू कर दिया है। Amazon अपने कस्टमर के खरीदे जाने वाले आइटम को अपने वेबसाइट पर ट्रेस करता है। वो यूज की कुकीज का इस्तेमाल करके ऐसा करते हैं। Amazon इस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कस्टमर के प्राइस को कस्टमाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस कस्टमर देखकर चेंज भी की जाती है। ग्रुप टारगेट स्ट्रेटेजी भी लगभग ऐसी ही है, बस इसमें हर इंसान की जगह प्राइस एक ग्रुप को देखकर चेंज किया जाता है। जैसे कि कई बिजनेस सीनियर सिटीजंस और स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते हैं, ये उन ग्रुप्स के लिए काम करता है जो कि प्राइस को लेकर थोड़े सेंसिटिव होते हैं। कंपनियां उन कस्टमर पर ज्यादा फोकस करती हैं जो ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं। डिज्नी वर्ल्ड अपने लोकल सिटीजन के लिए 50% डिस्काउंट देते हैं। इस वजह से लोकल्स वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं और अक्सर जाते भी रहते हैं। वहीं दूसरी तरह टूरिस्ट वहां रेगुलरली नहीं जाते, इसलिए वो लोकल्स के कंपैरिजन में कम प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए डिज्नी वर्ल्ड उनसे टोटल प्राइस बिना कोई डिस्काउंट दिए चार्ज करता है। लास्ट स्ट्रेटेजी है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तब होता है जब कोई बिजनेस ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करता हो जिसमें बहुत ही कम फर्क होता हो और उसके डिफरेंस से प्रोडक्शन की कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं आता है। वो अपना प्रोडक्ट अलग अमाउंट में, अलग लोकेशन और अलग फीचर्स के साथ ऑफर करते हैं, पूर्ण विराम। इस स्ट्रेटेजी से उन्हें पता चलता है कि कौन से कस्टमर उनके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। सुपरमार्केट ऐसा सेम प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड और प्राइस को साथ में रखकर डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई कस्टमर प्राइस सेंसिटिव ना हो तो वो एक महंगा ऑरेंज जूस भी खरीद सकता है जिसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद हो। वो कोई दूसरा ऑरेंज जूस सस्ते दाम में देखने के बारे में हो सकता है सोचे भी ना। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइस सेंसिटिव कस्टमर बार्गेन के लिए कोई ऑप्शन ढूंढेगा, वो पूरा स्टोर घूमने में ज्यादा समय भी लगा सकते हैं, पर वो वही ऑरेंज जूस खरीदना पसंद करेंगे जो उनके लिए ज्यादा अफोर्डेबल यानी किफायती हो। मान लीजिए कि आप लंदन में एक टूरिस्ट हैं जो लंदन घूमने गए हैं। अब आपको रास्ते में कॉफी पीने का मन करता है और आप देखते हैं कि कस्ट कॉफी बार ही सबसे नजदीकी कॉफी शॉप है।
क्योंकि लंदोनई एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो वो कस्त को स्केजिटी की पावर देता है। इसका मतलब ये भी है कि कस्त महंगा रेंट भी भरता है। बहुत सारे लोग जो लंदोनई देखने जाते हैं वो वहाँ के सिटीजन नहीं होते, क्योंकि आप टूरिस्ट हैं इसलिए आप कॉफी का ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार हो जाते हैं, वो भी लंदोनई के नज़ारे के साथ। हालांकि कस्टमर कॉफी ना खरीदने का भी फैसला कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कस्टमर होंगे जो सिर्फ लोकेशन की वजह से ज्यादा पे नहीं करना चाहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वो लंदन के रहने वाले हो सकते हैं, इसलिए कोस्टा को प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। कोस्टा के पास दो ऑप्शन है, वो या तो कम कॉफी ऊंचे प्राइस में बेच सकते हैं या फिर ज्यादा कॉफी कम प्राइस में। इसे ही इकोनॉमिस्ट मार्जिन कहते हैं। एक स्ट्रेटेजी जो कोस्टा ने अपनाई थी वो थी फेयर ट्रेड कॉफी। फेयर ट्रेड कॉफी ज्यादा महंगी होती है और किसानों को इसे बनाने के ज्यादा पैसे भी दिए जाते हैं। ये लगभग 18 सेंट ज्यादा महंगी होती है। ज्यादातर कस्टमर सोचते हैं कि वो जो भी एक्स्ट्रा पैसे देते हैं वो सीधे फार्मर्स के पास जाता है, पर ऐसा नहीं है, वो कोस्टा को ही मिलता है। कॉफी बीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा रखता है, इस तरीके से कोस्टा प्रॉफिट बना पाता है। फेयर ट्रेड कॉफी वाली स्ट्रेटेजी से कोस्टा को ये पता चला कि कौन से कस्टमर हैं जो उन्हें ज्यादा पैसे पे कर सकते हैं। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्ट्रेटेजी का एग्जांपल है। परफेक्ट मार्केट और सच्चाई की दुनिया। आप अपने पैसे किस चीज पर खर्च करते हैं ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 92 सेंट हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप ये पैसे खर्च कर सकते हैं। आप तय करते हैं कि आपको इसे कॉफी पर खर्च करना है, पूर्ण विराम। इस खरीद के साथ आप मार्केट को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, पूर्ण विराम। आप मार्केट को बताते हैं कि आपके पैसे कॉफी खरीदने की वर्थ रखते हैं। आप कॉफी को बाकी चीजों से ऊपर चुनते हैं। हजारों लोग ऐसी सेम चॉइस रख सकते हैं। ये बिजनेस करने वालों को बताता है कि लोग कॉफी पर 92 सेंट खर्च करने को तैयार हैं। ये एक कप कॉफी का मार्केट प्राइस बन जाता है। प्राइस बही के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा लगता है तो वे उसे नहीं खरीदेंगे। सेलर भी यही करते हैं, वे किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट से कम पर उसे नहीं बेचेंगे। जब बायर और सेलर किसी प्रोडक्ट के एक स्पेसिफिक प्राइस पर राजी हो जाते हैं तो उसे इफिशिएंसी कहते हैं। इसमें बायर और सेलर दोनों को ही इस सेल से कुछ फायदा होता है। बायर को उसकी कॉफी मिल जाती है जो कि वो सोचता है 92 सेंट के हिसाब से सही प्राइस है, और सेलर को उसके पैसे मिल जाते हैं जो उसे कॉफी बनाने में लगते हैं। एक प्रोडक्ट की वैल्यू उसके बायर और सेलर पर डिपेंड करती है। उनका एक ही प्राइस पर रजामंद होना जरूरी है। ये डिपेंड करता है कि एक बायर कितने पैसे में प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है और एक सेलर कितने पैसे में उसे बेचने को तैयार है। लोग क्या खरीदते हैं ये तय करता है कि सेलर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे। इसे लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड कहते हैं। अगर लोगों को कंप्यूटर की जरूरत है तो बिजनेस वही सप्लाई करेंगे। वो फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को काम पर रखेंगे और वो मटेरियल खरीदेंगे जिससे कि वो कंप्यूटर बना सकें। ये रूल हर प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है। कम्पिटिटिव मार्केट में चार चीजें हो रही हैं। कंपनी सही तरीके से चीजें बना रही हैं। कंपनी पैसे गनवा देगी अगर वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में रिसोर्सेज को वेस्ट करेगी तो ये उन्हें बिजनेस बंद करने पर भी मजबूर कर सकता है। इसलिए प्रोडक्ट को बड़े ही ध्यान से बनाया जाता है। कंपनी सही चीजें कर रही हैं। कंपनीज वही प्रोडक्ट बना रही हैं जिनकी बायर्स डिमांड कर रहे हैं। प्राइस सेलर्स को बताते हैं कि बायर किन चीजों पर अपने पैसे खर्च करना सही समझते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक पेस्ट्री प्रोड्यूस करने की कॉस्ट और दो कॉफी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बराबर ही आएगी। अगर बायर कॉफी को चुनते हैं तो ये सेलर को बताएगा कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो पेस्ट्री से ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करेंगे। चीजें सही क्वांटिटी में बनाई जाती हैं। कंपनी सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाती हैं जितने की एक बाई की डिमांड होती है। एग्जांपल के तौर पर अगर एक कंपनी बहुत सारी कॉफी बना देती है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। यहाँ पर कॉफी की थोड़ी स्कार्सिटी हो सकती है। अगर कंपनीज बहुत कम कॉफी बनाती है तो प्राइस बहुत बढ़ जाएंगी। चीजें सही लोगों तक पहुँच रही हैं। वो लोग जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सिर्फ उतने ही है जो उन प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। जब ये चीजें होती हैं तो इसका मतलब है मार्केट इफिशिएंट है। कंपेटिटिव मार्केट इन्हें इफिशिएंट बनाते हैं। इसका मतलब है कि बायर और सेलर दोनों को ही उस सेल से फायदा होता है। खैर, असली दुनिया में बहुत से नॉन मार्केट सिस्टम भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सभी सिटीजंस के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खरीदना पड़े। हर किसी को अपने देश में सेम पुलिस फोर्स की ही सुरक्षा मिलेगी। आप ये तय नहीं कर सकते कि आपको कितनी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। आपके पास इस पर खर्च करने की या ना करने की कोई चॉइस नहीं है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर रूड है
तब भी आप उसके लिए पे करने से मना नहीं कर सकते। आप कोई और पुलिस ऑफिसर नहीं खरीद सकते। पे करने के बजाय आपको प्रोटेस्ट या फिर लॉबी करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छाएं क्या हैं? इस मामले पर इन पर इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती है। ये एक एग्जांपल है कि कैसे एक नॉन मार्केट सिस्टम किसी प्रोडक्ट की असल कॉस्ट को छुपा सकता है। ये इससे तय नहीं होता कि कस्टमर्स कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं, और न ही इससे कि उसे प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आएगी। दूसरा एग्जांपल है गवर्नमेंट द्वारा स्कूल का इंतजाम करना। सभी स्कूल एक ही तरह के नहीं होते हैं, कुछ दूसरों से बेहतर भी होते हैं। एक मार्केट सिस्टम में वो पेरेंट्स जो ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो बेहतर स्कूल चुनेंगे। इस केस में पेरेंट्स को प्रोटेस्ट या लॉबी करना पड़ेगा। वो अपने आसपास की जगह के बेस्ट स्कूल में जाना पसंद करेंगे। इससे डिमांड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये नहीं बताता कि प्राइस के बेसिस पर पेरेंट्स की चॉइस क्या है। साथ ही ये भी नहीं पता चलता कि क्वालिटी स्कूल बनाने में कितना कॉस्ट आता है। बियर, फ्राइज और ग्लोबलाइजेशन। मान लीजिए कि आप एक देश हैं, आप अमीर होना चाहते हैं। अमीर होने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है कि आप दूसरे देशों के साथ बिजनेस करें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। इस फायदे की वजह से हो सकता है कि दूसरे देश खुद आपके साथ बिजनेस करना चाहें। अगर आप दोनों बिजनेस करते हैं, जिसे कि ट्रेड कहते हैं, तो आप दोनों को ही फायदा होगा। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब है जिस भी काम में आप बेस्ट हैं उसे बढ़ाना। जैसे कि हो सकता है आप बायोलॉजी में एक्सपर्ट हों पर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे नहीं हैं, वहीं आपका दोस्त इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो सकता है पर वो बायोलॉजी में बहुत ही बुरा हो। तो आप एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर काम करके ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, वहीं आपका दोस्त इकोनॉमिस्ट के तौर पर ज्यादा पैसे कमा पाएगा। आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा पैसे कमा पाएंगे जिसमें आप सबसे अच्छे हों। अब हम यही कॉन्सेप्ट देशों पर अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि अमेरिकन वर्कर्स ड्रिल प्रोड्यूस करते हैं, चाइनीज वर्कर्स टीवी बनाते हैं। एक अमेरिकन वर्कर एक ड्रिल 30 मिनट में बना सकता है, वो एक टीवी भी 60 मिनट में बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक चाइनीज वर्कर एक ड्रिल 20 मिनट में बना सकता है और एक टीवी 10 मिनट में भी बना सकता है। तो चाइनीज वर्कर्स के पास टीवी के मामले में एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि एक अमेरिकन वर्कर वही टीवी प्रोड्यूस करने में 6 गुना ज्यादा समय लगाता है। अगर अस और चाइना ट्रेड ना करे तो अस को एक टीवी और एक ड्रिल प्रोड्यूस करने में 90 मिनट लगते हैं, वहीं चाइना को सिर्फ 30 मिनट पूर्ण विराम। मान लेते हैं कि वो ट्रेड करते हैं, तो चाइनीज वर्कर 30 मिनट में 2 टीवी बना सकते हैं और अमेरिकन वर्कर्स 2 ड्रिल 60 मिनट में बना सकते हैं। तो वो एक ड्रिल के बदले एक टीवी ट्रेड कर सकते हैं। अब चाइना और अस दोनों के ही पास टीवी और ड्रिल दोनों हैं, और उन दोनों को ही कम काम करना पड़ेगा और दोनों ही देशों को ट्रेड करने से फायदा होगा। कुछ लोग इस डर में रहते हैं कि ट्रेड करने की वजह से उनकी जॉब जा सकती है, तो वो इस वजह से ट्रेड पर पाबंदी लगा देते हैं। इसे ट्रेड बरी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक देश किसी प्रोडक्ट का फॉरेन इम्पोर्ट बैन कर देता है, जैसे कि चाय, दूसरे शब्दों में कहें तो चाय का आपके देश में आना बंद कर दिया गया हो, तो इससे लोग लोकली चाय प्रोड्यूस करने लगेंगे। खैर, लोकल चाय फिर एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें किसी दूसरे देश में बेचा नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट से जो भी फॉरेन करेंसी आएगी उसे इस्तेमाल या खर्च नहीं किया जा सकेगा। ट्रेड बरी लोगों को वो पैसे फॉरेन इम्पोर्ट्स में खर्च करने से रोकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ट्रेड बरी फायदे से ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। दूसरे देशों का कंपटीशन आपके देश का बिजनेस बंद नहीं करता है। आपके देश को फिर भी प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। ये आपको प्रॉफिट्स कमा कर देगा। ये प्रॉफिट आपको दूसरे देशों से प्रोडक्ट खरीदने की एबिलिटी देगा, जिसे कि इम्पोर्ट कहते हैं। ट्रेड बरी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अमेरिकन्स को टीवी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है कि वो ड्रिल प्रोड्यूस करेंगे और चाइनीज टीवी इम्पोर्ट करेंगे। इस वजह से टीवी बनाने वाले अपनी दुकानें बंद कर लेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से अस को नुकसान होगा। त्रदेश की सिचुएशन को खराब नहीं करेगा, बस एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसे कि वो अमेरिकन वर्कर्स जो टीवी प्रोड्यूस करते हैं। टिम हार्फोर्ड कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इन ग्रुप को सपोर्ट करें और बचाकर रखें। हम हेल्थी इकोनॉमी में जॉब जाती है, पर वो नई जॉब क्रिएट भी करती है। तो ट्रेड से देशों को फायदा होता है। वो प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट को ट्रेड करते हैं। ज्यादातर लोग इसे ग्लोबलाइजेशन से जोड़ते हैं। अमीर देशों की कंपनियां गरीब देशों में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जैसे कि वो फैक्ट्री बना सकती हैं। ये जॉब्स क्रिएट करती हैं और नॉलेज और टेक्नोलॉजी देती हैं। ट्रेड लोगों को अमीर बनाता है। खैर, ये नेचर को नुकसान जरूर पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट और एनर्जी का कंजम्पशन क्लाइमेट चेंज पर असर डालता है। गवर्नमेंट को इस डैमेज को बैलेंस करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है।
जैसे कि वो सल्फर या कार्बन छोड़ने पर अस और चाइना पर टैक्स लगा सकते हैं, वो फॉसिल फ्यूल को सब्सिडाइज करना बंद कर सकते हैं जो कि ओजोन लेयर पर बुरा असर डालते हैं। कंक्लूजन, पहले आपने चीजों की कमी यानी स्केसिटी के बारे में सीखा। स्केसिटी किसी प्रोडक्ट जैसे कि किसी जमीन की वैल्यू पर कैसे असर डालते हैं, ये उसके प्राइस को तय करता है। जब कोई रिसोर्स कम होता है तो वो उनको बार्गेनिंग पावर देता है। दूसरा, आपने तीन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में सीखा। इंडिविजुअल टारगेट स्ट्रेटजी का मतलब है प्राइस हर इंसान को देखकर बदल सकता है। ग्रुप टारगेट स्ट्रेटजीज भी मिलती जुलती होती हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देना। लास्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्ट्रेटजी। इसका मतलब है मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को अलग अलग प्राइस पर बेचना। इससे सेलर को पता चलता है कि बायर एक प्रोडक्ट पर कितना खर्च करने को तैयार है। तीसरा है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्ट के प्राइस पर असर डालता है। लोगों की चॉइस ये बताती है कि वो क्या खरीदेंगे। जब लोगों को किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो वो उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सेलर को बढ़ावा देते हैं कि वो ऐसे और प्रोडक्ट बनाएं। जब प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई किए जाते हैं तो वो प्राइस को कम कर देता है। जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती है तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में कमी है। चौथा है एक फ्री मार्केट में प्राइस असलियत बता देती है। ये इस बात की जानकारी देती है कि बायर किस पर खर्च करना पसंद करेंगे। इससे प्रोड्यूसर्स को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कितना बनाना है। ये बिजनेस के फैसलों पर भी असर डालता है। पांचवा, आपने सीखा ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ट्रेड उन देशों को फायदा करा सकता है जो आपस में चीजें एक्सचेंज करते हैं। किसी एक देश के पास कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है जो कि दूसरे देशों के पास न हो। ट्रेड दोनों ही देशों को दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की एबिलिटी देता है। इसका मतलब है कि दोनों देश ही फायदे में हैं। ट्रेड दुनिया भर से प्रोडक्ट का एक्सचेंज के साथ और भी बहुत कुछ लाता है। इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये कई जॉब्स क्रिएट करते हैं और देशों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इससे नेचर पर बुरा असर भी पड़ता है। ये रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन बुरा है। ग्लोबलाइजेशन नॉलेज को बढ़ाता है। नॉलेज से कई देश आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे ताकि वो इससे होने वाले नुकसानों को रोक सके। हेल्थी इकोनॉमी बिजनेस के बीच हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा देती है। मार्केट को समझना आपको एक बेहतर कंज्यूमर बना सकता है। आप अपनी खरीदारी पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। याद रखिए, आपकी चॉइस प्राइस पर असर डाल सकती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानकारी होना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है एक दिन आप बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएं।